चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन। ये फ्रंट कटिंग कुर्ती है। चलिए अब देख लीजिए, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया, ये आइकॉन फैब्रिक है और ये भी आइकॉन फैब्रिक है। ये मैंने 3 मीटर लिया और ये साड़ी से मैंने कट कर लिया है। आधा पार्ट से मैंने पैंट बनाया है जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, इसलिए आज मैं इस कुर्ती की वीडियो बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये साड़ी से मैंने निकाला है आधा पार्ट। चलिए देख, इसको मैं फोल्ड फोल्ड कर रही हूं, आप देख सकते हैं इस तरह से लंबाई 50 इंच है, लेकिन ये अस्तर है तो अस्तर को हम लोग कितना 46 ले रहे हैं। 46 अस्तर का लंबाई रखा है, जितना है उतना ले लिया मैंने। अब इधर से मैं आपको इसकी तीरा लेके दिखा रही हूँ। इधर देख सकते हैं आप, ये 7 इंच, अब इधर भी 7 इंच। अब यहाँ से जो हम लेंगे 6.5 लेंगे। अब इस तरह से इसको मिला देंगे। अब चेस्ट का नाप रख लेंगे, जैसे कि मैंने बताया है जितना भी है जैसे 34 है तो उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे तो आपका 36 आ जाएगा। उसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि 9 इंच मैंने लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ 1 इंच का गैप देते हुए इसको राउंड शेप कर दे देंगे। जैसे हम लोग नेक 3 इंच लेंगे और ये जो है हमारा थोड़ा सा तिरछा आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कमर का नाप लगा लेंगे 6 इंच पे, फिर 6 इंच पे यहाँ से हम लोग हिप का नाप लगा लेंगे। मैंने यहाँ 7.5 लिया है और ये 9, 2 इंच एक्स्ट्रा ले देना है। इसी तरह से अब हम लोग इसको मिला देंगे और ये लाइन, ये जितना हम लोग का गेयर है उसके हिसाब से ऐसे इसको मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और एक चीज हम लोग को करना है, यहाँ से जो है हल्का सा हम लोग यहाँ राउंड शेप देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से 2 इंच पे हम लोग इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, और अब हम लोग इस पार्ट को अलग करते हैं। अब हम लोग इस पार्ट को सेंटर से कट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, नहीं पहले कट नहीं करते हैं इसमें एक हम लोग, जैसे कि आप लोग फ्रंट पार्ट को हमेशा यहाँ से जो आर्म होल होता है वो और डीप होता है, जैसे कि ये देखिए इस तरह से इसको और कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप, अब हम लोग इसको सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि ये फ्रंट कटिंग कुर्ती है, इसलिए हम इसको ये बीच से कटा हुआ रहेगा तो हम लोग काट दे रहे हैं। फिर सेम हम लोग इसको अस्तर पे भी रख के इसी तरह से कटिंग करेंगे, सॉरी साड़ी पे रख के इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो चुका है, अब हम लोग इसको साड़ी पे रख के कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने साड़ी को भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसमें आप लोग को ट्रिक पता चलेगा मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट कुर्ती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें कि मैं नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ये देखिए,
कटिंग कर लेंगे इसको। लंबाई इसकी पहले तो हम लंबाई भी बता देते हैं, लंबाई रहेगा, लंबाई रख रहे हैं 16, यहाँ से रखेंगे 7.5, 5 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसको कोई फोल्ड नहीं किया है, बस मैं ये एक पार्ट निकाल रही हूँ फ्रंट में, और आपको आगे का प्रोसेस पता चलते जाएगा। आप बस मेरी वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा मेरा वीडियो कि आपको समझ में आए। ये एक पार्ट निकल चुका, ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था ये 2 मीटर का है और इसका आधा 42 है। चलिए अब आप देख सकते हैं, अब इसको फिर से हम लोग फोर फोल्ड कर रहे हैं, ये फोर फोल्ड हो चुका है इसी तरह से। अब मैं इसमें 44 को 4 से डिवाइड करूंगी क्योंकि इसका आधा 44 है। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको 4 से 42 को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, जैसे कि 10.5 आ रहा है। अब 10.5 में हम लोग को निशान लगाना है, देख सकते हैं आप, यहाँ 10.5, फिर यहाँ से 10.5, फिर यहाँ से 10.5। अब इसी निशान पे हम लोग को एक लाइन बना लेना है, 10.5 इसी तरह से, फिर हम लोग इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रिल बनेगा। चुन्नट लगा रही हूँ पूरा, मैं चुन्नट लगाने के बाद नीचे से फोल्ड कर दूंगी। वैसे सारे पार्ट को वैसे करना है। अब मैं नीचे से इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं इसी तरह से मैंने और एक बनाया है, चार्ट बनाया है ऐसे ही। अब मैं इसको इसमें जॉइंट करूंगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है जिसका मैंने अभी गला कट नहीं किया, हस्तल में कट किया है। अब मैं इसको इस तरह से जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें इस तरह से फ्रिल बना के ये ऐड कर दिया है। अब मैं ये जो अस्तर है उस पर रख के इसको अटैच कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि मैंने इसका गला कटिंग नहीं किया है। अटैच करने के बाद मैं गला को कटिंग करूँगी। अब ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ तक अटैच कर लेना है कमर तक, फिर उसके बाद ये सब जो मैंने फ्रिल बनाया है इस तरह से ये हल्का सा ढक जाएगा, 2 इंच के गैप से मैंने इसको ढक दिया इस तरह से। अब इस कॉर्नर से मैंने सिलाई कर दिया है, देख सकते हैं इसी तरह से ये एक फ्रिल आ जाएगा। इसमें मैं एक सिलाई चला दूंगी, आपको मैं दिखा देती हूँ रख के। अब ये देख सकते हैं मैं इसको ये वाला को इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से मैं फोल्ड करके इसको लगा रही हूँ। अब मैं इसको इसमें इस तरह से चिपका दूंगी, मतलब एक सिलाई लगा दूंगी।
अब मैं इसके बैक पार्ट को भी सेम अस्तर से पहले इसको अटैच कर लूंगी, उसके बाद शोल्डर को ऐड करने के बाद फिटिंग लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने तिरछा पट्टी बना के इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें से स्लीव्स निकालूंगी। मैं स्लीव्स 2/4 रख रही हूं, इसको फोल्ड फोल्ड कर ले रही हूं इस तरह से। आप देख सकते हैं ये ओपन साइड है, इधर क्लोज साइड है। अब मैं पूरी लंबाई 10 इंच, यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अभी जहाँ 7 इंच पे निशान लगाया वहाँ से थोड़ा 3 इंच से डाउन करूँगी इसका सीधा लाइन। अब यहाँ से हम लोग हल्का हल्का राउंड शेप देते जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये राइट है। अब मोरी पे निशान 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब बस इसको तिरछा अब इस पर कट कर लूंगी। अब देखिए आप लंबाई भी देख सकते हैं, मैंने 12 रखा है फोल्ड होके हमारा सारा। आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पे रख के इसको कटिंग कर लिया है और इसकी लंबाई 12 ही। मैं इसमें और एक चीज करना है, जब आप इसको फ्रंट साइड ज्वाइन कर